हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दोस्तों, आज है संडे और मैं जा रहा हूँ राइड पर। तो राइड स्टार्ट करने से पहले कुछ बाइक में एक्सेसरीज लगवाई थी मैंने, वो दिखाता हूँ क्या क्या लगाई है। तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोरेटर के बारे में। ये जो कार्बोरेटर है ये इंडियन कार्बोरेटर है, इसमें एक जापान वाला कार्बोरेटर भी आता है। दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा जापान वाला इससे अच्छी परफॉर्मेंस करता है, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट पाइप लगा रखे हैं ताकि टूटी ऑयल साफ दिखाई दे जाता हूं। और एक चीज़ और दिखाता हूं मैं आपको, मैंने अपनी बाइक में एक ये हैंडल बार लगा रखा है। आपने ये यामाहा RX 100 में नहीं देखा होगा, ये आता है ग्लैडिएटर में, तो मैंने अपनी RX 100 में लगा रखा है। काफ़ी अच्छी लुक आती है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान, और बहुत ही अच्छी लुक आती है इसको लगाने से। तो आप भी अपनी बाइक में लगा सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो चैन सेट आता है उसके ऊपर कवर लगता है, मैंने इसमें हाफ लगा रखा है। इसमें फुल कवर आता है और मैंने इसमें हाफ इसलिए लगा रखा है ताकि चैन टाइट करने में या देखने में चैन लूज है नहीं है उसमें दिक्कत ना हो। तो आप भी अपनी बाइक में हाफ चैन सेट के ऊपर कवर लगा सकते हो। ये आपको अपाचे का और पल्सर का मिल जाएगा मार्केट में, और बड़े आराम से लग जाएगा। बस आपको एक होल यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ होता है इसमें, आपको यहाँ होल करना है और यहाँ पर इसमें है, बहुत आराम से फिट हो जाएगा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी किक। ये जो किक है ये RX 100 की नहीं है, ये यामाहा RX 135 5 स्पीड जो आती थी उसमें आती थी ये वाली किक। इसकी शेप कुछ ऐसी है, और RX 100 की जो किक आती थी उसमें ऐसी शेप आती थी। तो आप ये लगाओ अपनी बाइक में, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो बॉक्स है ये RX 100 में नहीं आता था, तो ये 135 का लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। देखो इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हो, तो आप भी अपनी बाइक पे लगाओ, अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं मफलर के बारे में। इसका जो मफलर है वो 1988 मॉडल में जापान वाली जो बाइक आती थी उसका मफलर है। इसमें 6 होल होते हैं, इसका साउंड बहुत प्यारा आता है। जो इसके साथ आया था उसका भी अच्छा था, पर मैंने ये लगाया, इसका साउंड जो है बहुत अच्छा। और इस मफलर के अंदर जो जाली लगती है, कुछ लोग इसको बांसुरी भी बोलते हैं, वो बांसुरी मैंने लगा रखी है RD 350 की, तो उसका साउंड बहुत प्यारा आ रहा है। और ये मफलर आप देख रहे हो येलो हो रहा है, इसको मैंने दोबारा प्लेटिंग करवाया था लेकिन ये दोबारा से येलो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे साउंड चाहिए, बढ़िया साउंड आ रहा है। और अब बात करते हैं इसके कलर के बारे में। ये जो कलर है दोस्तों, ये कलर है नेक्सोन का, जो टाटा नेक्सोन आती है ग्रीन कलर की, वो कलर मैंने अपनी बाइक पे कराया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। रात को ये ब्लैक लगता है, दिन में आपको ग्रीन लग रहा होगा, लेकिन रात को अंधेरे में ये ब्लैक लगता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसके अंदर मैंने जो कैरियर लगा रखा है वो काफ़ी बड़ा लगाया हुआ है, इसमें छोटा कैरियर आता है यामाहा RX 100 में, मैंने ये बड़ा वाला लगा रखा है। इसमें आप सामान भी रख सकते हो, और इसकी लुक जो है काफ़ी ही अच्छी लगती है, इससे बाइक जो है काफ़ी लंबी लगती है। अब दिखाता हूँ आपको मैं इसका मीटर। ये जो मीटर है ये लोकल है, इसमें प्रीकॉल कंपनी का आता है, और ये MT करे कुछ लिखा हुआ है, ये लोकल है लेकिन काफ़ी सही चल रहा है ये भी, तो ये भी आप लगा सकते हो अपनी बाइक में। इसमें मिट्टी चली गई है इसके अंदर अभी। तो इसके मिरर की बात करते हैं, ये मिरर जो है रॉयल इनफील्ड के मिरर हैं, और इसमें आराम से फिट हो जाते हैं यामाहा RX 100 में, तो आप भी लगा सकते हो। इसमें क्रोम के भी आते हैं, क्रोम के मुझे मिले नहीं थे तो मैंने ब्लैक लगा दिए। आगे से दिखाता हूँ मैं कैसे लग रहे हैं। तो इसकी लुक कुछ विंटेज वाली हो जाती है मिरर लगाने से, ये देखो, तो काफी प्यारे लग रहे हैं, तो आप भी अपनी बाइक में लगा सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यामाहा RX 100 की या किसी भी बाइक की, इसमें एक पेट्रोल फिल्टर लगता है टैंक के साथ, जो मैंने नॉर्मल पाइप लगा रखा है, ये ट्रांसपेरेंट पाइप, इसके साथ ही एक पेट्रोल फिल्टर लगता है, वो अपनी बाइक में आप जरूर लगा कर रखिए, खासकर पुरानी बाइकों में जिनकी टैंक के अंदर से जंक आ गई है, ताकि जो पेट्रोल आए उसमें कुछ भी अगर आ रहा है तो वो फिल्टर में रुक जाए और कार्बोरेटर में क्लीन होकर जाए एकदम। तो फिल्टर जरूर लगा के रखिए अपनी बाइक में। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये जो इसका सिलेंडर है इसमें देखो रबर लगे हुए हैं। ये रबर पता है किस लिए लगते हैं? ये रबर इसलिए लगते हैं, इन रबर के लगने से क्या होता है, जो आपकी बाइक है एक तो वो साउंड कम करती है, जो वाइब्रेशन है वो कम करती है, दूसरा जो हवा आती है ना वो हवा इसमें रुक कर जाती है। आपने देखा होगा सिलेंडर में कटिंग होती है, ये कटिंग इसलिए होती है ताकि जो हवा है वो इसमें से रुक कर जाए और हमारी जो बाइक का सिलेंडर है वो ठंडा रहे, हवा से ठंडा होता है ये, तो इसलिए रबड़ भी लगाई जाती है, साउंड कम रहे और हवा रुक रुक के जाए इसमें से। बात करते हैं इसके, ये जो कलर किया हुआ है ना, ये यामाहा RX 100 जब आती थी तब इसमें पेंट होकर आता था, अब ये पेंट तो मैंने नहीं करा, मैंने इसके अंदर टेप लगवाई है, ब्लैक कलर की टेप लगा रखी है, तो काफी ही बिल्कुल जैनन वाली लुक आती है इससे, तो काफी अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है ये। और एक चीज आती है जो आगे के फ्रंट शॉकर आते हैं उसमें रबड़ नहीं होती RX 100 में, मैंने इसमें रबड़ लगा रखी है, इससे जो बाइक है वो काफी हैवी लगती है, और जो आपके शॉकर में मिट्टी वगैरह है वो अंदर नहीं जाती, तो ये कवर हो जाता है पूरा, तो ये भी आप लगाइए अपनी बाइक में, इससे लुक काफी अच्छी हो जाती है बाइक की और आपके शॉकर भी सही रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके शॉकर। ये जो शॉकर हैं ये ओरिजिनल तो यामाहा के मिलना बहुत मुश्किल हो गया अब, तो गैब्रियल के शॉकर आ रहे हैं ये, तो आप अपनी बाइक में गैब्रियल के शॉकर लगा सकते हैं RX 100 में,
काफी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जेन्युइन वाली लुक है इसकी। और मैंने जो अपनी बाइक में प्लग लगा रखा है वो एनजीके का लगा रखा है। एनजीके का प्लग सबसे ही बेस्ट है यामाहा RX100 टू स्ट्रोक बाइक के लिए, तो आप भी एनजीके का प्लग लगाएं। और इसमें जो मैंने लेग गार्ड लगा रखा है वो बटरफ्लाई लेग गार्ड है, इसमें और भी आते हैं पर मुझे ये अच्छा लगा। और जो गाड़ी जेन्युइन जो गाड़ी आती है यामाहा जो देता है वो यही वाला देता है, तो मैंने इसमें यही वाला लगा रखा है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई लेग गार्ड, तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बाइक यामाहा RX100 और निकलेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग राइड पर। तो बाइक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में हमारी बाइक स्टार्ट होती है, कितने किक में स्टार्ट होती है। चाबी ऑन है, चौक लगा लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 3 किक में बाइक स्टार्ट है, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करी है और अपनी मॉर्निंग राइड स्टार्ट होती है। थोड़ी देर बाइक को आइडल पे खड़ी करेंगे ताकि जितना भी इंजन ऑयल बैठा हुआ है नीचे वो सब इंजन में अच्छे से घूम जाए। तो अपनी राइड स्टार्ट हो गई है सुबह की, देखते हैं हमारी संडे की राइड कैसी रहती है और बाइक का साउंड आप सुन ही रहे हो कैसा आ रहा है। जबरदस्त साउंड है भाई, मेरे को मजा आ जाता है इसका साउंड सुनकर। ये देख रहे हो तेरी, तो ये हाल है, इसकी आवाज सुन के ना पीछे पड़ जाते हैं। ये तभी मैं इसको ना बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है यार, ये पीछे पड़ जाते हैं। तो ये है हाईवे, से गुड़गांव के लिए रोड जाती है, तो धुआं मिट्टी बहुत है। तो 373 किलोमीटर बाइक चली है, देखते हैं आज कितनी बाइक हम चलाते हैं। ये ट्रक जो है ना, इन ट्रक से हमें थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इसकी आपको स्पीड 60 पे है, 50 पे है, 60 पे होती है। और अभी तो मैं इसको
छोड़ो तो भाई के भाई से ज्यादा नहीं घुमानी, नहीं तो ये भाई 100-120 पार कर जाएगी। तो मौसम आज का बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। टर्न ले लेते हैं, अपने राइडर भाई जा रहे हैं। तो राइट से वापस आते ही बारिश स्टार्ट हो गई, सही टाइम पर मैं घर वापस आ गया। बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम और बढ़िया हो गया है, बादल हो रहे हैं बिल्कुल और बहुत तेज बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है मेरे घर से, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और बाइक मैंने अंदर खड़ी कर दी है नीचे पार्किंग में। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय।